वेलकम बैक स्टूडेंट्स. अब हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एक्चुअली हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है. अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो लेट अस सपोज कि ये एक आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी. एक ट्रायंगल फॉर्म करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री. यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी. कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एक्स एक्सिस, मान लीजिए वो क्यू पॉइंट पे कट कर रहे हैं. देन ऑन पी और सी से जो परपेंडिकुलर है वो कहां पे आता है, आर पे आता है. तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, ये जो आपका ए बी सी वाला पार्ट है, इस एरिया को आपने निकालना है. तो देखिए, इस एरिया को निकालने के लिए हम यहां पे डायग्राम में क्या देख सकते हैं, दीज आर काइंड ऑफ ट्रेपीजियम. यहां पे देखिए, ए बी क्यू पी, ये देखिए ए बी क्यू पी, ये जो एक बनता है ये क्या है, ट्रेपीजियम काइंड ऑफ इस फॉर्म का है ना, जहां पे दो नॉन पैरेलल साइड हो और दो पैरेलल साइड हो. और ये कैसा बनता है, ए पी आर सी एंड देयर इज ऑल्सो ट्रेपीजियम बी सी क्यू आर, और वी कैन से बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू आर द ट्रेपीजियम्स. तो देखिए, अगर मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेगी, ये जो कंप्लीट है ये पूरा ट्रेपीजियम प्लस ये ट्रेपीजियम माइनस कर दें नीचे वाला, तो हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला शेडेड रीजन बच जाता है. देखिए क्या कहा मैंने, कि वी डिवाइड सॉरी माइनस करें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी प्लस ए पी आर सी. अगर इन दोनों ट्रेपीजियम में से माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी आर क्यू, माइनस कर दें तो वी गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. यहां से हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. वी कैन कैलकुलेट दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ दिस इज द एरिया, तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका है एरिया ए बी क्यू पी, इसका देखते हैं ए बी क्यू पी का आपका क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. ए बी क्यू पी में पैरेलल साइड कौन सी है, देखिए ये आपकी इस तरह से ट्रेपीजियम है, ये तो आपकी मैच कर देंगे. तो बी क्यू एंड ए पी, बी क्यू प्लस ए पी आर द पैरेलल साइड, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्यू पी सेम प्लस करना है हाफ. ट्रेपीजियम क्या है, ए पी आर सी, तो पैरेलल साइड्स आर ए पी एंड सी आर इंटू पी आर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. इस पूरे में से अगर हम माइनस कर दें किसको, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. अब देखिए पैरेलल साइड कितनी है, बी क्यू एंड सी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, क्यू आर. तो बस ये सारे अब यहां पे इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करते हैं.
अब देखिए क्यू पॉइंट कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स टू वाई टू, मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा डिस्टेंस है बी क्यू, ये कितना हुआ वाई टू, ये हुआ वाई वन, ये वाई थ्री, और ऐसे ही देखिए क्यू पॉइंट कौन सा है एक्स टू, यानी कि इतना डिस्टेंस कितना है ये एक्स टू, पी तक, पी क्या है यहां पे एक्स वन, तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ इस पूरे x1 में से, ये x2 माइनस किया, x1 माइनस x2। देखिए इसे बहुत ध्यान से करना है यहाँ पे हमें, कि सिर्फ ये ही कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट दिस इज x3, ये x3 होगा, तो x3 में से ये सारा इतना पार्ट x1 माइनस किया x3 माइनस x1, तो ये क्या आ जाता है पी आर। वैल्यू पुट करते हाफ इंटू बी क्यू, बी क्यू कितना है y2 प्लस y1, और QP कितना है x1 माइनस x2 प्लस हाफ इंटू AP कितना है y1 प्लस y3 इंटू PR, PR क्या है x3 माइनस x1 देखिए यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है x1, तो हमें चाहिए था PR, और ये डिस्टेंस कितना था x3, तो ये PR निकालने के लिए क्या किया x3 माइनस x1। नेक्स्ट इज माइनस ऑफ हाफ इंटू बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू डेट इज y2 प्लस y3, और डिस्टेंस कितना है इसका क्यू आर, यानी कि इस पूरे x3 में से सिर्फ ये वाला कैंसिल माइनस किया x2, x3 माइनस x2। तो ये सारी हमारी वैल्यूज आ जाती हैं आफ्टर पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स, जो जो डिस्टेंस है वो पुट किया हमने। अब इसके बाद देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो आपकी लास्ट इक्वेशन आती है इसको सॉल्व करने से क्या बनता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इनको आपस में, मल्टीप्लाई कीजिए हाफ y2 इंटू एक्स वन माइनस y2 इंटू एक्स टू, y2 इंटू एक्स वन माइनस y2 इंटू एक्स टू प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस हाफ ऑफ y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y1 x1, और यहां से लास्ट क्या बनता है हाफ इंटू y2 x3, y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2। ये सारा आ जाता है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। देखिए y2 x1 कहीं पे है नहीं, y2 x2 यस, यहां पे माइनस का y2 x2, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपस में कैंसिल। y1 x1 यस, यहां पे प्लस y1 x1, और यहां पे क्या है माइनस ऑफ y1 x1, y1 x2 एक मिनट यहां पे देखिए y1 x3, y1 x1, y3 x3, y3 x1, ये y3 x1 है यहां पे, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा। नेक्स्ट देखिए प्लस ऑफ y3 x3, और यहां पे क्या है माइनस ऑफ x3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है हाफ y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस हाफ ऑफ y1 x3 माइनस
y3x1 और लास्ट में माइनस ऑफ हाफ इंटू y2x3 माइनस y3x2। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आया यहां से हाफ इंटू हाफ, सब में कॉमन आ रहा है, सब में से हमने हाफ कॉमन लिया। हाफ कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचता है हमारे पास, यहां पे y2x1 है, y1x1, सब में से हम क्या करेंगे x1 कॉमन लेते हैं। देखिए x1 वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, यहां पे x1 है, यहां पे भी x1 है, तो क्या हुआ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस, फिर x2 वाली टर्म देखते हैं, यहां पे y1 x2 है और यहां पे भी x2 है, तो क्या आएगा माइनस ऑफ y1 और ये है प्लस ऑफ y3, यानी कि x2 इंटू y3 माइनस y1 साथ में क्या लेंगे x3। अब x3 वाली टर्म क्या बच जाती है y1 माइनस y2, यहां से हमारे पास टर्म क्या जाती है x3 के लिए टर्म हो जाती है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये इस तरह से हमने इसकी डेरिवेशन की और दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी फॉर्मूले को हम फर्दर यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।